सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है। और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी देह के योग में तो रहता है, मगर देह के परमाणु, इस राख की दीवार के परमाणु, सुमेरु पर्वत के परमाणु की तरह दूर दिखाई देते हैं। रहता है घर में, मगर वह घर में नहीं रहता।
क्योंकि जैसे ही चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हुई कि उस स्वरूप की अनुभूति में न घर आया, न परिवार आया, न कोई परमाणु आया, न प्रभाव आया, मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान ही निरंतर अनुभव में आ रहा है। और ऐसी दृष्टि जब प्रकट हो तब घर में रह करके भी प्रति समय असंख्यात गुने कर्मों की निर्जरा होती है, मगर उस निर्जरा का भी हिसाब ज्ञानी नहीं रखता। वह अंतर में ध्रुव ज्ञायक देव की मस्ती ऐसे ही है, उतनी गहराई में वह गया है कि जहां पर परमाणु है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे पर वस्त्र को उतारे और फिर सागर की गहराई में जाकर के शांत सागर का अनुभव करे, और दुनिया में लोग देखेंगे तो कपड़े को देखेंगे, वे कपड़े उन्हें दिखाई देंगे, मगर उन कपड़ों को देख करके कोई व्यक्ति की पहचान होती है? व्यक्ति जहां पर है वहां वस्त्र नहीं है, जहां वस्त्र है वहां व्यक्ति नहीं है, और यह दुनिया उस व्यक्ति को पहचान ही नहीं पाती। उस व्यक्ति को पहचानने के लिए वहां जाना अनिवार्य है जहां वो व्यक्ति सागर की गहराई में अभी डुबकी लगा रहा है। तो ज्ञानियों का जो शरीर है वो शरीर चैतन्य सागर के किनारे पर उतरा हुआ वस्त्र है, फिर ये हाथ के परमाणु, फिर ये पैर के परमाणु, ये पूरा शरीर जो दुनिया को दिखाई देता है, मगर ज्ञानी वहां वास नहीं करता। मृत्यु से पहले ही जिनकी मृत्यु हो चुकी हो वही अनंत चैतन्य सत्ता का अनुभव कर सकता है भगवान। ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा जितनी जितनी गहराई में जाओगे उतना उतना इन परमाणुओं का विकल्प, उनका ख्याल भी भूलते जाओगे। और तत्व विचार हो और चैतन्य का चिंतन हो, मैं कौन मैं कौन मैं कौन ये प्यास लगे, मैं कौन ये जिज्ञासा अंदर से उठे कि मैं कौन, अपने से ही पूछो मैं कौन। जवाब मत देना कि मैं चैतन्य हूं, क्योंकि असली सवाल ही अब तक उत्पन्न नहीं हुआ है कि मैं कौन हूं। वह जो जवाब हमें पता है वह भी शास्त्रों से सिखा हुआ, वह भी गुरु से सुना हुआ, अनुभव का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए जब ये जिज्ञासा हो कि मैं कौन, इतनी जिज्ञासा हो, क्योंकि पानी के कारण पानी नहीं दिखाई देता, प्यास के कारण पानी दिखाई देता है, जितनी जिज्ञासा होगी कि मैं कौन, तो सहज ही यह ज्ञायक देव का दर्शन होगा। यह ज्ञायक देव मैं और यह त्रिकाल जलती, यह चैतन्य ज्योति, इतनी अलिप्तता का अनुभव कि जैसे परमाणु को आपने पकड़ा ही नहीं, जैसे आपके वस्त्र अलमारी में है और उस वस्त्र को पहना ही नहीं, उसको आप देखते भी नहीं, और कभी ऐसा भी अवसर आए कि याद भी नहीं है, अलमारी में पड़े है, छूना हो नहीं रहा। ऐसे ही ज्ञानी को ये देह के पूरे परमाणु में कहीं पर भी स्पर्शना नहीं दिखाई देती। इन परमाणुओं को भी मैंने ओढ़ा नहीं है, क्योंकि जो परिणामों के, जो भावों के वस्त्र को भी ओढ़ता न हो, जो पर्याय के वस्त्र को न ओढ़ता हो, वह परद्रव्य के वस्त्र को कैसे ओढ़ेगा? ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 मैं। जब भी ये विचार आए तो इस मस्ती को छोड़ना मत, जब ऐसा सत्संग सुनने को मिले तो सुनना मत, उसे पीना, उसे अनुभव करना, वही अनुभव करना, यह पूरा माहौल अभी यह चैतन्यमय हो जाए। यहां पर ही ऐसी चैतन्य 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 की अनुभूति, जहां देह एक और पड़ा हो, कोई अंतर न दिखाई दे देह के परमाणु में और दीवार के परमाणु में। इस दीवार को देखो तो और ये देह को देखो तो दोनों में एक सा ही दिखाई दे। इस दीवार में ईंट है, पत्थर है, यह भी एक दीवार है जिसमें हड्डियां है,
उस दीवार में रेत है, सीमेंट है, इस दीवार में भी मांस है। उस दीवार में पानी था, इस दीवार में खून दौड़ रहा है। उस दीवार में ऊपर रंग किया हुआ है, इस दीवार में भी यह चमड़ी है। वह दीवार है और यह राख की दीवार है। और उस दीवार में भी कभी कभी ऊपर छत पर जाले हो जाते हैं। यह भी राख की दीवार है, ये बाल है, वे जाले है जो दीवार है। मगर वह दीवार जो बनी है, वह मैं जहां रहता हूं उस चैतन्य महल में नहीं बनी, उस चैतन्य महल के पड़ोस में बनी है। तो देह को देखना और ऐसे देखना कि मैं चैतन्य महल में रह करके अपनी ज्ञान की खिड़की से अपनी पड़ोसन इस राख की दीवार को अत्यंत दूर से देखता हूं और मैं निश्चिंत हूं। यदि यह राख की दीवार, यह पड़ोसन बैर बिखेर हो जाए तो, बदल जाए तो, अभी मनुष्य की कभी देव की, मगर चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ज्ञान की खिड़की से सिर्फ देख रहा हूं। मैं जानता हूं, मैं जाता नहीं हूं। और जब मुझे मेरे महल के बाहर जाना नहीं है और इस पड़ोसन को मेरे महल के भीतर आना नहीं है, फिर ये दीवार कैसे भी हो, ऐसे अंतर के भेद ज्ञान के बल पर ज्ञानी देह होने पर देहातीत होते हैं। इसलिए कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, ऐसे महापुरुषों को यदि पहचानना है तो उन महापुरुषों को पहचानने के लिए उनके कपड़े को किनारे पर मत देखो, उधर डुबकी लगाओ जहां उनकी डुबकी लगी हुई, और तुम पाओगे कि तुम भी वहां पर हो और वहां कोई तरंग नहीं, तरंग का कोई अनुभव नहीं होगा। सागर की गहराई में कोई व्यक्ति जाता है तो ऊपर की तरंग रुक नहीं जाती, तरंग उछलती ही रहती है, मगर वह व्यक्ति उस जगह पर पहुंच गया है जहां उसे तरंग दिखाई ही नहीं देती। ऐसे चैतन्य स्वरूप में स्थिरता हो तो यह शरीर दिखाई ही नहीं देता, फिर यह शरीर कैसा भी हो। इस शरीर के परमाणु को राख की दीवार के रूप में ही देखना। दो दिन पहले ही गजपंथा के पास में स्मशान में हम लोग साधना करने गए थे। शमशान में मैंने इन ज्ञान दीपकों को यही कहा कि ये जो मुर्दा जला है उसको हाथ में तुम उसे उठाओ, उस राख को हाथ में तुम उठाओ और फिर थोड़ी सी राख तुम पूर्व में फेंको, फिर पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, थोड़ी थोड़ी, फिर पता नहीं चलता, फिर इकट्ठी करो। मगर इकट्ठी करने जाओ कैसे, पहचानी नहीं जाती। ऐसे ही इस देह को देखना कि ये भी उंगली के परमाणु, हथेली के परमाणु ऐसे ही उड़ेंगे, पहचाने नहीं जाएंगे। और ये निश्चित है 20 साल, 25 साल, 50 साल ये बिखरने ही वाले हैं। उससे पहले वह अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, यदि वहीं पर ही एक समय के लिए ये एहसास हो जाए कि मैं ज्ञान मात्र, फिर परमाणु में कहीं पर भी नहीं, फिर इन परमाणुओं को कहीं पकड़ा हुआ एहसास ही नहीं होगा। परमाणुओं को पकड़ू कैसे, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव पकड़ना ही नहीं है, ज्ञान में स्पर्शना नहीं है, ज्ञान में कोई विकार नहीं है, ज्ञान में राग द्वेष कोई भाव नहीं है, ज्ञान पकड़े कैसे परमाणुओं को। इसलिए परमाणु परमाणु में ही पड़े रहते हैं। ऐसा अत्यंत दूर से देखना, हे चैतन्य परमात्मा, इस शरीर के परमाणु को जो इतना दूर देख सके, कितना सुमेरु पर्वत के परमाणु की तरह, राग और द्वेष के विकार के भाव को वह उतना दूर देख सके, कितना नरक में बहती हुई वैतरणी की तरह। वैतरणी बह रही है यह सत्य है, मगर मैं जहां हूं वहां वैतरणी नहीं बह रही है, यहां तो ज्ञान की गंगा बह रही है, यहां जानन 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 धारा बह रही है। ये राग और द्वेष के विकल्प की वैतरणी यहां है ही नहीं। मैं मना नहीं करता कि राग द्वेष नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं कि राग और द्वेष के भाव है। मैं मना नहीं करता कि बरसात नहीं हो रही है, मैं स्वीकार करता हूं कि बरसात हो रही है,
मगर मैं जिस महल में हूं वहां बरसात की एक बूंद भी नहीं आ रही, उसी का नाम ज्ञान महल है। शीश महल ये ज्ञान का शीश महल, चैतन्य 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 उसी को कहते हैं। शरीर में रहते हुए भी अशरीरी अनुभूति, कहीं पर भी आपको ऐसा न लगेगा कि मैं यहां कहीं पर भी हूं, कहीं पर भी हूं। हवा के कारण जैसे पेड़ के पत्ते उड़ते हुए, और उड़ते हुए पत्ते को आकाश में उड़ने वाला पक्षी जैसे देखता हो, बैठता न हो डाली के ऊपर, पत्ते उड़ रहे हवा के निमित्त से, मगर वो पक्षी बैठता नहीं, दूर से देखता है। और वो पक्षी की यात्रा चल रही है, उसे पत्ते से पेड़ से कोई लेना देना नहीं। हवा का निमित्त मिला और पत्ते का उड़ना हुआ और पक्षी का अस्पर्शी रहना हुआ, ऐसे ही इस देह को देखना है। ये सांसें चल रही है, ये हवा का चलना है, ये पेट अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ये हृदय जो धड़क रहा है, ये शरीर में जो खून दौड़ रहा है, ये जो देह की क्रिया हो रही है, ये पत्ते की हिलने की क्रिया है। हाथ हिले किचन में तुम काम करते हो, उस समय दुनिया कहे कि ये पापी देखो भोजन बना रहा है, मगर वो पापी तुम हाथ हिलाते हो, सब्जी तुमने अपने हाथ में ली, चाकू अपने हाथ में लिया, तुम सब्जी संभालते हो, उस समय ये क्रिया हो रही है, तुम्हें एहसास होगा कि ये डाली हिल रही है, ये पेड़ की डाली हिल रही है, मगर पक्षी जो जानने वाला दूर से वो उसमें आता नहीं है, और वह अनादि अनंत है। दुनिया कहेगी कि ये किचन में है, ये पापी है, ये भोगी है, मगर उस समय भी तुम अलिप्त हो। कोई जंगल में जाकर के ये बैठे कि मैं बैठा हूं ध्यान करने के लिए, तो वह अगले भव में मां के गर्भ में उल्टा लटकेगा, इसलिए क्योंकि वह मानता है कि मैं ध्यान करने बैठा, बैठा है शरीर और मानता है मैं बैठा, तो कल जब शरीर उल्टा लटकेगा तो वहां भी वो मानेगा कि मैं उल्टा लटका। कोई वन में जाकर के अधर्मी रह जाता है, कोई घर में रह करके भी धर्मी हो जाता है। इसलिए निराश मत होना, सदा काल ये जागृति और ध्रुव का जोर, उदय के पलटने में देर नहीं लगती। मुझे नहीं पता कि आप परमात्माओं का तत्व का कितना गहरा अध्ययन अभ्यास हुआ है, मगर इतना मैं आपको बता दूं कि चार प्रकार के सम्यक दृष्टि हैं, चार जीवों के दृष्टांत। एक है भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि, दूसरे सौधर्म इंद्र क्षायिक सम्यक दृष्टि, तीसरे लोकांतिक देव क्षायिक सम्यक दृष्टि, और चौथे है सर्वार सिद्धि के देव क्षायिक सम्यक दृष्टि। ये चारों क्षायिक सम्यक दृष्टि है। अब उन जो स्वर्ग के जो देव है वो तीन है, सौधर्म इंद्र। जब तीर्थंकर परमात्मा का यहाँ जन्म होता है, बालक वर्ग का जन्म होता है, उस समय वो यहाँ आकर के सौधर्म इंद्र अभिषेक करते हैं, और वो उनका जो नाचना होता है तांडव नृत्य जो है, कैसे नाचते हैं सौधर्म इंद्र क्षायिक सम्यक दृष्टि। एक उनका ये भाव क्षायिक सम्यक दृष्टि का। दूसरा है लोकांतिक देव, उनको जन्म में आने में रस ही नहीं, वो जन्म कल्याणक में ऐसे प्रसंग में नहीं आते नाचने गाने के, वह तो आते हैं जब तीर्थंकर का दीक्षा कल्याणक होता है, दीक्षा कल्याणक के समय तो वहां पर आते हैं। और सर्वार सिद्धि के देव पांचों कल्याणक हो जाए तो भी नहीं आते, और वहां पर ही अनुत्तरवासी देव पांच कल्याणक हो जाए तो भी आने का भाव तक नहीं आता। 33 सागरों पर वर्षों तक चैतन्य 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 और 33 सागरों पर वर्ष। और एक भरत चक्रवर्ती जो सगे भाई पर चक्र छोड़ते, एक भरत चक्रवर्ती जो 96,000 रानी को भोगते, 6 खंड के राज्य को भोगते। अब ये चार क्षायिक सम्यक दृष्टि हुए, भरत चक्रवर्ती, सौधर्म इंद्र, लोकांतिक देव और सर्वार सिद्धि के देव। इनमें से परिणामों की दृष्टि से, भावों की दृष्टि से देखें तो सबसे कठोर और पाप के भाव किनके हैं?
भरत चक्रवर्ती के, और भरत चक्रवर्ती जिनके सबसे ज्यादा पाप के भाव है, और इन चारों में सबसे पहले मोक्ष में कौन जाते हैं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाप कितना भी हो, यदि ध्रुव का जोर होगा काम हो जाएगा। ध्रुव का जोर एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये मस्ती लगनी चाहिए, ये ध्रुव की मस्ती होनी चाहिए। इसलिए तो तुम जहां पर भी रहो, घर में रहो, दुकान में रहो, ऑफिस में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निरंतर कार्य हो रहा है, जानना 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 जानना। कल ही हम विमान में आ रहे थे, वही बात मैं इनको बता रहा था। लोग समझते कहते हैं कि गुरुदेव कांजी स्वामी चांदी की थाली में भोजन करते थे, गुरुदेव गाड़ी में बैठते थे, गुरुदेव विमान में उड़ते थे, गुरुदेव भी परदेश गए थे, नैरोबी गए थे। गुरुदेव, ये गुरुदेव होकर के उनको कर्म की निर्जरा और आत्म जागृति कैसे रहती? धर्म का संबंध क्रिया के साथ है ही नहीं, अंतर में वह जागृति। कल मैंने इनको कहा, ये विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और उसमें बीच में हाथी घोड़ा नहीं आया। उसका प्रूफ क्या? उसका प्रूफ ये कि हाथी घोड़ा आता तो विमान रुक जाता, एक्सीडेंट हो जाता, वो बीच में कुछ नहीं आया। तो मेरे अंतर में जो चैतन्य की ज्ञान की जानना 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 ये जो यात्रा चल रही है, उसके बीच में कोई देह के परमाणु नहीं आए। आते तो ये यात्रा रुक जाती, इसलिए देह साइड में ही पड़ा रहता है, और ज्ञान ज्ञान में जानना जानना जान, और वो दिन रात ज्ञानी को चलता है, वो देह में रहते ही नहीं। उन्हें हमेशा ये अनुभव में आता है कि देह के परमाणु बीच में आएंगे कैसे, यहां तो ज्ञान ही यात्रा, आ, 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 आ। ये ज्ञान ही जानने रूप परिणमित हो रहा है, ये ज्ञान की ही जानना 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 ये धारा बह रही है। उसका प्रूफ ये है, नदी बहती है उसमें चेकडेम नहीं किया है, उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि ये सागर तक पहुंचती है। यही ज्ञान की ये निरंतर बहती जानन धारा, उस जानन धारा में कोई भी परमाणु नहीं है, और इन परमाणु को ऐसे ही देखता है जैसे नगर में गांव बने हो, मगर नदी जहां बहती है वहां पर एक भी गांव नहीं, बिल्कुल किनारे पर। और ऐसे ही है ज्ञान की यात्रा, ये नगर है, 5 इंद्रियों का ये नगर है, वो अत्यंत दूर है मेरी ज्ञान की धारा जो चल रही है उससे। भगवान ऐसा जो ज्ञान का जानना, और जानना जानना जानना, उसमें एक और राग है, एक और द्वेष है, ये भी किनारे पर। ज्ञान तो उस राग द्वेष को भी नहीं देखता, दोनों किनारे, वो राग द्वेष की तरह है। यदि नदी किनारे के साथ में दोस्ती कर ले तो सागर तक पहुंचेगी कैसे? वो तो बहती रहती है, ये जानना जानना चलता ही रहता है, राग द्वेष से क्या लेना देना। ऐसी ये जानन धारा, ये जानन धारा में जो ज्ञान मात्र का अनुभव करता है, वो देह होने पर भी देहातीत है, वो कहीं पर भी हो। ये चैतन्य परमात्मा ऐसे अंतर में ध्रुव ज्ञाय की मस्ती कि देह होने पर भी, ओ हो 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 हो, देह होने पर भी वहां पर देह के परमाणु तो है ही नहीं, मृत्यु आने से पहले ही मृत्यु हो गई। वो कला अद्भुत कला है, अद्भुत 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 कला है। ओ हो हो हो, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ऐसा ही है। ये देखो, ये रुमाल है, ये हाथ का रुमाल है, अभी पैर के ऊपर रखा है, और मैं कुर्सी पर बैठा हूं। अब ये 5 रुपये का रुमाल है, अब मैं कुर्सी पर बैठा हूं, और ऐसे बैठे बैठे मेरा हाथ ऐसा गया और नीचे गिर गया, पता नहीं। तो मैं ऐसे ढूंढ रहा हूं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऐसा कैसा भाव आता है, कहाँ गया वो 5 रुपये का रुमाल, तो कैसा भाव आता है? जिसको मैंने अपना माना है, जिसमें मेरा मोह है, वो 5 रुपये का, वो क्या हो गया? जाने से अनजाना हो गया, नोन टू अननोन हो गया, ये जाने से अनजाना हो गया, और वो भी 2-4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, मगर वो भाव कैसे, किधर गया किधर गया? तो जो जन्म से अब तक ये इतना सब इकट्ठा किया है, और मृत्यु होती है तो एक समय में जहां अगले समय जन्म होगा, ये सब अनजाना हो जाएगा।
और वो जो अनजाना होगा उसकी वेदना और दुख कितना होगा। वो जो दुख है ना उससे ये कला है, ये सब मृत्यु आए और अनजाना हो जाए उससे पहले ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो और अनजाना हो जाए, फिर मृत्यु क्या बस हो गया काम, फिर वो वहां पर है ही नहीं, वो वहां पर है ही नहीं। ओहो, जस्ट बी अवेयर दैट आई एम द सोल एंड सेपरेट फ्रॉम द बॉडी एंड ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल आउटर सर्कमटेंसेस, एंड एट दैट मोमेंट यू आर विद बॉडी, होल वर्ल्ड विल सी दैट यू आर विद द बॉडी, बट यू आर नॉट विद द बॉडी एट ऑल। You will realize you are eternal soul and you are completely separate from the body and all types of material outer circumstances, including all types of momentary feelings arising in the soul, all types of pure modification attained by tremendous effort of meditation of own soul. Yes, through nyayak ka jor. So, pure sharir ke parmanu aise hi phir to कंप्यूटर में टाइपिंग करते हुए उंगलियां घूमती है, मगर जितना कीबोर्ड जितना दूर दिखता है उतनी उंगलियां दूर दिखती है, और यहाँ ज्ञान ही अनुभव में आता है। आ, 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 आ। ज्ञान अनुभव में आता है क्योंकि ये सिद्धांत है, ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आ सकता है, जो यहाँ है वही अनुभव में आ सकता है। जब परमाणु यहाँ है ही नहीं तो अनुभव में आएंगे कैसे, जो है ही नहीं वो अनुभव में कैसे आएंगे भगवान, क्योंकि सिद्धांत है, अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। अभी ज्ञान दीपकों से मंत्र ये कहा कि अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती, फिर ये एक फॉर्मेलिटी हो जाती है कि शरीर पड़ा है, अब उसकी भी चिंता नहीं करता कि ये कब छूटेगा, अब पकड़ नहीं रही। ओ हो 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 हो, ऐसा ध्रुव 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 न्यायक का जो नोन टू अननोन होने से पहले ही ये ऐसे ही पड़ा है, पूरा उसे दूर देखने का अभ्यास करना। दर्पण के सामने आप खड़े और मेकअप कर रहे, सज रहे तीन घंटे से, और तीन घंटे से तैयार हो रहे थे, और वहीं पर ही उस समय ही हार्ट अटैक आ गया, शरीर छूट गया, बॉडी वहीं पर पड़ा है समझने के लिए। अब वहां से बिल्ली में जन्म हुआ, 7 दिन के बाद में बिल्ली वहां से निकली, और बिल्ली उसी शरीर को देखती है, मगर बिल्ली पहचानती नहीं है कि ये कौन है, ये मुर्दा जो पड़ा है। बिल्ली देख करके ऐसे ही चली जाती है, अनजाना हो गया शरीर। जब नियम से ये अनजाना होने ही वाला है, इतने लोगों को हो रहा है, और रोज रोज हम देख रहे, और यहाँ 100 साल से ज्यादा जीने वाला कोई एकाध दो को एग्जाम्पल मिल जाए, बाकी कौन जीता है, उसमें भी हमारे सबके 50, 60, 70, 80 तो पूरे हुए, अब बाकी बचे आधे से ज्यादा तो जी चुके, अब उसमें भी जो थोड़ा बचा बस उतना सा काल है, वो इसलिए है कि अनजाना होने से पहले उसमें समा जाओ कि पता ही नहीं है कि देह कहाँ है। कृपालु देव ये कहते हैं, विचार करने पर पता चलता है देहधारी है, नहीं तो पता भी नहीं है कि देह इधर पड़ा है। हमेशा ऐसा लगता है, गजपंथा में हम होते हैं तो ऐसा ही लगता है कि अरे ये देह है, अभी कपूर की भांति ये उड़ नहीं गया, अभी है, अभी ये है, अभी ये है, ओ हो, है, मगर है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरे महल से बाहर निकलना नहीं है, तो है तो है। पूरा शरीर ऐसे ही एक एक समय में, रात को नींद में भी ऐसे ही करवट बदलते हैं, उस समय जागृति करवट बदली, बिल्कुल गहरी नींद में है सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ऐसे करवट बदलता हो, मगर ज्ञान ऐसी जो चैतन्य सत्ता राग के विकल्प में करवट नहीं बदलता, और चैतन्य ही ध्रुव है, वह क्रिया हो गई मगर अंतर में जागृति से परिपूर्ण वह रहता है। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, वहां शरीर है ही नहीं। तो सोते समय भी जो उतनी जागृति में रहे, धर्म उसका नाम नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट या फिर 48 मिनट का सामायिक कर लिया, पूरा प्राण में तुम्हारे रग रग में खून में दौड़ने लगे, सांसों में हृदय की धड़कन में सब जगह चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसलिए बस मेरा जीना भी चैतन्य के लिए, अब तो इस देह में रक्त वहन हो तो भी चैतन्य के लिए, सांसे भी चले तो चैतन्य के लिए, पसीना भी छूटे तो चैतन्य के लिए, आंसू भी बहे तो चैतन्य के लिए, जीना भी चैतन्य के लिए, मरना भी चैतन्य के लिए, आज चैतन्य कल चैतन्य,
अनंत काल तक चैतन्य 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 ऐसा चैतन्य 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 हो ये देह है ही नहीं, ये देह है ही बस हो गया है, ये तो कभी था भूतकाल बन गया। कहानी आती है ना, एक था राजा एक थी रानी, कोई भूतकाल की कहानी है, ऐसे ही कभी संसार था होगा, अब तो यहाँ पर सिद्ध विराजमान है। कभी कभी ऐसा ही लगता है कि अरे लोक के अग्रभाग से सिद्ध कभी मध्य लोक में आते नहीं है, ये सिद्ध यहाँ कैसे आ गया, ये सिद्ध का स्थान नहीं है, ये सिद्ध यहाँ पर कैसे है, तो ये शरीर खाली है बस भगवान। ऐसी जब अंतर में निरंतर धारा बहे, फिर विकल्पों का वस्त्र छूट गया, अब निकट काल में ये बाहर के वस्त्र छूटने में देर नहीं लगेगी, मुनि भी होंगे, भावलिंगी संत होंगे, पंचम काल में होते हैं, पंचम काल में होते आचार्य कुंकुन देव हुए, अमृत चंद्र देव हुए, जयसेन आचार्य हुए, उमा स्वामी हुए, ये पंचम काल के भावलिंगी संत, ये ओ हो 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 अभी 2000 साल पहले हो सकते हैं, 1000 साल पहले हो सकते हैं, 700 साल पहले हो सकते हैं, और अभी 18500 वर्ष तक होंगे, तो आज क्यों नहीं हो सकते, इसके पुरुषार्थ के बल पर होंगे, भावना तो यही भाव, ये कब आएगा वह अवसर, साधु ओ हो हो साधु 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 ओ हो हो। मुझे एक पल के लिए ऐसा लग गया, आप जब अंदर से भक्ति गा रहे थे ना, मुझे तो ऐसा ही लगा कि जैसे मैं साधु होकर आपके यहाँ पर आ गया हूँ, ऐसा भाव आ रहा था, क्योंकि जो मैं भावना पाता था कि साधु होने के बाद में गृहस्थ की साधर्मिक भक्ति कैसी होती है, उसका रियलाइजेशन कितने सालों के बाद में पहली बार हुआ, ये कलकत्ता की ये भूमि बहुत भावना थी, आपकी भावना नहीं मेरी भावना थी, ये भावना ही खींचकर लाई है यहाँ पर आना। ओ हो हे चैतन्य परमात्मा, भावना आत्म भावना भावता जीव लहे, केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है, तो कलकत्ता क्यों नहीं पहुंचेगा, भावना भाव तो भावना भाव, खाली सेपरेशन, यू जस्ट रियलाइज द सेपरेशन, पता ही नहीं है शरीर कहाँ है, याद ही नहीं है, और ऐसे ही सोफा पर हाथ रख लेना, कुर्सी के हैंडल पर हाथ रख लेना, और फिर विचार करना कि यहाँ एक ब्लेड ली और ब्लेड से यहाँ पर काटा तो ये चमड़ी कटी, ये काटा तो कपड़ा कटा, वहां काटा तो वहां पर कुर्सी कटी, मगर कुर्सी कटी तो वहां मेरा क्या गया, कुछ भी नहीं गया, यहाँ 200 रुपये का नुकसान हो गया, यहाँ अरे मैं कट गया, सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ये कटे ये कटे ये कटे, सब समान दिखता है ये समझते हुए, क्योंकि ये तीनों का जो कटना हुआ है वो जहां जानने में आ रहा है वो नहीं कटा, तो वो ज्ञान में ही स्थित रहता है, अलग रहता है, क्योंकि गिलास फूटा ये सत्य है, मगर गिलास जिस दर्पण में मुझे फूटा हुआ दिखाई दे रहा है वो ये बताता है कि दर्पण नहीं फूट गया, वो जो देह कटा वो जहां जानने में आ रहा है वो जानने वाला भगवान नहीं कटा है, ऐसा जानने वाला ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व ही मैं, ऐसा जानने वाला ध्रुव चैतन्य वहां पर कहा देह है, शरीर है ही नहीं, ओ, 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 ओ। हम कपड़े की दुकान में नहीं बैठते, ये दिगंबरों का धर्म है, कपड़े की दुकान माने ये कपड़ा हो, ये कपड़ा, हम कपड़े की दुकान में नहीं बैठते, ओ, 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 दिगंबरों का धर्म है, और उन्होंने ही सबसे ज्यादा दुकान कपड़े की खोल के रखी है, भगवान ने जो कि भाई कपड़ा जो है ये कपड़े का धर्म नहीं है, पूरा कपड़ा ऐसा पड़ा हो अंदर से ऐसा दिखे, ओ हो हो ट्रेन में यात्रा करते हैं और पा पर मानो कोई पास में पता चले कि एक आदमी बैठा है, कि जिसके पास में थैला है उस थैले के अंदर मांस लेके जा रहा है, हमें पहला भाव ये आएगा ये कब उतरे,
या फिर मैं कबूतर हूं, सहन नहीं हो पाएगा, ये मांस वाला इधर पास में कैसे बैठ गया, और देखेंगे भी नहीं, वो पास में बैठा होगा खिड़की से इधर मुंह नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि अरे उसके पास में बैठना पड़ रहा है 3 घंटे का रास्ता, और ये मांस के अंदर ही बैठे हुए, ये पूरा आत्मा मांस के अंदर ही तो बैठे, और बैठे नहीं है, मांस में भी फिर सजा रहे, ये मांस में भी फिर सजावट चाहिए, पर्टिकुलर ऐसी सजावट, यहां का रंग है वो नेल पॉलिश का, फिर वो गुलाबी ही चाहिए, लाल ही चाहिए, चेहरे का रंग ऐसा ही चाहिए, मेकअप का ऐसा ही चाहिए, ब्लशर का ऐसा ही चाहिए, सबके लिए आईब्रो का ऐसा ही स्टाइल होना चाहिए, फिर एक 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 चीज के अंदर, और जब पता चले कि पूरा मुर्दा है, मुर्दे को सजाते समय ऐसा ही लगे कि ये मुर्दा ही सजाया जा रहा है, वहां पर दूसरे लोग सजाते हैं मरने के बाद में, ये खुद ही खुद के मुर्दे को सजा रहा है, मगर वो सजाने की क्रिया में भी जो जानने वाली सत्ता वो सजाती नहीं है, इतनी जागृति रहे तो सजाना भी छूट जाएगी, क्योंकि वो भाव ही नहीं रहता, बार बार न्यायक में डुबकी लगती हो तो वह भाव छूट ही जाता है, छूट ही जाता है। ओ, ओ, ओ। ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा मैं भगवान आत्मा देह के परमाणु में, ये अनंत परमाणुओं का योग जो अंतर में हुआ ऐसा, ओ हो हो हो, प्रतिज्ञा ले लो तुम, पार्टी में नहीं जाओगे, दुनिया में पार्टी होती हो, गेट टुगेदर होता हो, मेरा नियम है मैं कहीं भी नहीं जाता, पार्टी में नहीं जाता, किसी की शादी में नहीं जाता, सगे भाई की शादी में नहीं गया, प्रतिज्ञा है नहीं जाना। लोग दूसरे की शादी में क्यों जाते, इसके लिए क्योंकि खुद के घर पे शादी होगी तो दूसरे आएंगे, यदि खुद नहीं गए होंगे तो कौन आएगा, अब मुझे किसी को बुलाना नहीं है तो फिर काहे को दूसरे के वहां भी जाना, मैं दूसरे की शादी में जाता ही नहीं हूँ, जहां पर मिलन होता है वहां नहीं जाता। उसका भाव यह है कि यह अनंत परमाणुओं का जो गेट टूगेदर हुआ है उसमें मैं नहीं जाता, मैं अलग से रहने वाला ध्रुव, ऐसा तुम मिले हो तो मिले हो, मेरे को क्या, मैं तुम्हारे पास नहीं आता, मैं अपने ज्ञान में रहता हूं, यहां पर अनंत परमाणु का ये जो ये पूरा देह ऐसा पिंड है, ये देह तो परमाणुओं का पिंड है और मैं घन पिंड हूं, पिंड और घन पिंड में अंतर है, पिंड तो अलग अलग परमाणुओं से फिर मिलकर के बना और बिछुड़ जाएगा, उसका नाम पिंड है, और घन पिंड है वो मिलकर के नहीं बना, वो एक यूनाइटेड है, वो तो एग्जिस्टेंस उसका ऐसा है कि वो सिंगल वन पीस है, ये देह वन पीस नहीं है, एक एक एटम करके वो एक बंधा हुआ है, मगर मैं घन पिंड हूं, और ऐसी अंदर में जागृति चैतन्य चैतन्य ओ विकल्प उत्पन्न होते ही अंदर में परिपूर्ण घनता की जागृति, भगवान जैसे लोहे का गोला उसके ऊपर कोई सुई चुभाए कपड़े के अंदर सुई चली जाती है, यहां ऐसे सुई चुभाई तो कपड़े में चली जाएगी, लोहे के गोले में सुई कैसे जाएगी, तो ऐसे ही जब विकल्प उत्पन्न होता है तो विकल्प की सुई विकल्प का कांटा वो ज्ञान में जाता ही नहीं, क्यों, क्योंकि लोहे का जो गोला है वो इतना सॉलिड है कि उसमें स्पेस नहीं है कि सुई अंदर जाए, ऐसे यहां जानना 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 सब जगह जहां जानना जानना कई स्पेस ही नहीं है तो विकल जाएगा कहां अंदर मेरे अंदर, ऐसा घन का अनुभव कि ऐसा मैं घन पिंड चैतन्य हूं, भगवान ऐसे ही जब घर में रहो तो ये जागृति, बस जागृति ही परम धर्म है, देह की क्रिया धर्म नहीं, जहां पर रहो बस, बाहर देखो तो संसार है, बाहर देखा ही नहीं और ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है फिर कहीं पर भी, ओहो ये धर्म इतना सरल है सुलभ है मगर हमने कठिन बना दिया, क्योंकि कठिन बनाए बिना तो हमारा अहंकार पुष्ट नहीं होता, हमें वह काम करने में ज्यादा मजा आता है जिसमें अहंकार हो,
इसलिए एक ने एक उपवास किया तो दूसरा कहेगा कि अब मैं दो करूंगा, मैं 28 करूंगा। उसमें जो मजा आता है ना, वो मजा तपस्या का नहीं है, वो अहंकार का मजा है, वो अहम भाव का मजा है, नहीं तो पता ही नहीं चले। ओ हो, सामायिक लेकर के बैठे और पता ही नहीं चले, हमें तो घड़ी लेकर के बैठना पड़ता कि 48 मिनट हुई या नहीं हुई। एक जगह हमारा सत्संग था, तो सत्संग हमारा शुरू होने का पक्का होता है, बंद होने का पक्का नहीं होता, कितने बजे पूरा होगा। चलता है तो कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे चलता रहेगा। एक बार बैठ गए सो बैठ गए, फिर पक्का नहीं होता है। मुंबई में 78 घंटे नॉनस्टॉप चल गया था ऐसे ही, 3 रात 3 दिन तक चलता ही रहा 2009 में वो चलता ही रहा। ऐसा जो बैठ गया फिर वो बाहर नहीं जा पाए। शक्ति सब आ जाएगी, आप बैठे रहो मगर अंदर से वो जो है ना, उसका वो सत्संग चल रहा था, 2 घंटे मैंने सत्संग ले लिया। तो एक बहन जी बोले कि आपने मुझे पहले बता दिया होता कि 2 घंटे सत्संग लेने वाले, तो मैं 2 सामायिक लेके बैठती, अभी मेरा एक ही सामायिक हुआ। वो गिनती करना है ना, वास्तव में 2 घंटे स्वाध्याय करके फल मिल गया है उसको, यदि भाव से किया होता, मगर वो गिनती में मजा आता है, 1 सामायिक 2 सामायिक। मैं घड़ी लेकर के सामायिक नहीं करता, समय देख करके सामायिक नहीं करता, समय सार देख करके सामायिक, वही समय सार, यह चैतन्य है, यह समय सार साक्षात चैतन्य भगवान। ये तो ओ, फिर जहां जहां देखे वहां चैतन्य चैतन्य चैतन्य, कोई दूसरा भेद ही ना। ये प्रयोग है, प्रयोग के बिना धर्म है, प्रयोग के बिना, क्योंकि प्रैक्टिकल। तुम कहते हो कि अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, मैं सभी सिद्ध जैसा सिद्ध परमात्मा हूं। आलू के अंदर अनंत सिद्ध परमात्मा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा। आलू खाते हो कि नहीं? आलू नहीं खाते, उसमें अनंत परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा। ओ हो, अनंत सिद्धों के साथ में सिद्ध शिला पर बैठने की भावना भाने वालों, एक बार खाली एक बार अपने जीवन में अपने नौकर के साथ में एक सोफा पे बैठो और फिर विचार करो कि मैं भी परमात्मा और ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा। विचार तो करो एक बार, खाली बोलो मत, प्रयोग करो, देखो खाली। और इसी वजह से पूरी दुनिया में देखो, अभी मैं 211 कंट्री जाकर के आया, पूरी दुनिया का, अभी 8 देश बाकी बचे, पूरी दुनिया पूरी हो जाएगी। अब 8 देश वो भी जल्दी जल्दी इस साल में पूरे हो जाएंगे, कोई देश बाकी नहीं बचेगा। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है पेराग्वे, यूरोप में एक है यूक्रेन, अफ्रीका में है लीबिया, एशिया में है बस ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यमन है, सीरिया है और नॉर्थ कोरिया है, बस खत्म पूरी दुनिया। और सभी मुस्लिम, सभी ईसाई, सभी बुद्धिस्ट, कोई भी हो तो परमात्मा है, ये वाणी सुन। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तब पहले ये देरावासी है, स्थानकवासी है, श्वेतंबर है, दिगंबर है, जैन है, जैन नहीं है, कौन सा है, 20 पंथी है, 13 पंथी है, इतनी झंझट है। इसलिए मैं इन सबको एक कारागृह और जंजीर मानता हूं ये सब, इसलिए बस, इसलिए मैं मंदिर में कम जाता हूं। लोग पूछते मंदिर क्यों नहीं आते, कम जाता हूं, स्मशान में ज्यादा बैठता हूं, क्योंकि मंदिर में दिगंबर भी मिलते हैं, श्वेतांबर भी मिलते हैं, स्मशान में जाता हूं तो मुर्दा ही मिलता है, ना श्वेतांबर होता है ना दिगंबर होता है। इसलिए उसको देख करके जो भाव आता है कि मैं किसके लिए यहां इस जन्म में आया था और कोरा का कोरा जा रहा हूं, उस कुल परंपरा को लेकर के जो माँ बाप ने दिमाग में पहले से ही डाल दी थी, बच्चे को जवाब मिल गया था, बच्चे को बताया, इसको पूछा कि कौन है भगवान, कि महावीर भगवान, इसको पूछा कौन है भगवान, कि बुद्ध, इसको पूछा कौन है भगवान, कि अल्लाह, इसको पूछा कौन है भगवान, कि जीसस, बोलते सभी को बचपन से भगवान कौन है ये मिल जाता है, बचपन से ही मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है,
बच्चे ने प्रश्न ही नहीं पूछा, और प्रश्न पूछे बिना उत्तर मिल जाता है, और उस उत्तर की कोई वैल्यू नहीं है जो बिना प्रश्न का मिल जाता। इसलिए वो बच्चा पूरी जिंदगी भर उत्तर को लेकर के ढोता रहता है, मगर अंदर में कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि बिना जिज्ञासा के, बिना प्यास के जब पानी मिले तो उस पानी की कोई वैल्यू नहीं। अंदर से प्यास जगने दो। इसलिए बच्चे को मैं तो स्मशान लेकर के जाता हूं, छोटे छोटे बच्चों को देखो उस मुर्दे को, क्योंकि बच्चा मरण को देख करके आया है, अभी अभी उसके लिए मरण ताजा है। 8 साल का होगा, 10 साल पहले का हो तो 10 साल पहले वो मौत देख करके आया है। काश यदि ये जलती हुई लकड़ी और चिता को देखकर कुछ उसे पूर्व भव का स्मरण हो जाए, यदि वो मनुष्य था तो, या फिर उसे कोई पूर्व के संस्कार है तो, और वो ये समझ ले कि कहां मैं अटका हूं इन जंजीरों में। आज इसी वजह से आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना करने के लिए अभी यहां पर आना हुआ। इंडियन गवर्नमेंट में अभी हमारा एक प्रोग्राम था, अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड आई हैव बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन रेसिडेंट टू हैव ट्रैवल्ड मैक्सिमम कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि आप पूरी दुनिया के फर्स्ट इंडियन हो, सबसे ज़्यादा कंट्री में जाने वाले, तो इंडिया के अंदर आपको सभी राज्यों में कैसा लगा? तो मैंने उनको बताया मैं इंडिया तो घुमा ही नहीं हूँ। तो फिर विचार आया कि अब इंडिया के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर भी इस शास्त्र की स्थापना करनी है, तो इस वजह से आज कलकत्ता आए हैं, कल से अरुणाचल, और ये 7 सिस्टर्स और सिक्किम, ये पूरे 8 राज्य का करके फिर दक्षिण भारत में अभी 1-2 राज्य और है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सब जगह ये वाणी को पहुंचाना है। हमारा मेन गोल था नेशनल लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, जेल, और यहाँ तक कि पागलखाने, सभी जगह पर इस शास्त्र को पहुंचाओ। आत्मसिद्धि शास्त्र में कहीं पर भी किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं है, धर्म का नाम नहीं है, पंथ नहीं है, बस आत्मा क्या है, हु एम आई। और यही सबसे बड़ा प्रश्न है, बस संन्यास लेना उसका नाम नहीं है कि घर को छोड़ देना, माँ बाप को छोड़ देना, उसका नाम संन्यास नहीं है, त्याग नहीं है। माँ बाप ने जो बचपन से दिमाग में डाल दिया था वो उन्हें वापिस लौटा दो, और तुम खोज करो कि मैं कौन हूं, बस तब जो, क्योंकि सत्य की अनुभूति तो आनंद देती है। यदि तुम दिगंबर हो और श्वेतंबर देखते ही तुम्हें यदि अंदर में कोई बुरा भाव आता है तो वो आनंद कहां देता है? आनंद तो वही है जो धर्म, धर्म और धर्म में वहां भेद नहीं, मुझे कोई नहीं दिखता। मुसलमान मेरे बहुत मित्र है, आपको यह आश्चर्य होगा, ज्यादा मित्र मुस्लिम, ईसाई, मांसाहारी, इतने मांसाहारी मेरे मित्र है, कोई बात नहीं, आओ तो बैठो। शेर को यदि हिरण ने, हिरण का मांस खा करके भी यदि हुआ तो तुझे क्यों नहीं होगा, आ। और ऐसे ही 5,000 मुस्लिम वेजिटेरियन हुए पूरे वर्ल्ड में, 5,000 मुस्लिम और ईसाई। अभी यदि हम थोड़ी देर बैठेंगे तो मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा इस लैपटॉप में, जो 18 कंट्री के मुस्लिम और क्रिश्चियन जिन्होंने इस वाणी को सुनकर के, कृपालुदेव और गुरुदेव की पुकार को सुनकर के, ऐसा लगा कि ऐसा विराट धर्म हम तक क्यों नहीं पहुंचा, आज तक क्यों नहीं पहुंचा। मैंने उनको कहा जब कुएं पर किसी व्यक्ति का कब्जा जम जाता है ना तो उसका पानी सबको नहीं मिलता, ये हालत ऐसी हो गई है। ये धर्म बस कुछ ठेकेदार ने रख लिया कि ये हमारा धर्म, ये तुम्हारा नहीं, ये जीव मात्र का है, फैलाओ उसे। और पापी हो तो पापी को दो, कोई कहते मांसाहारियों को ये शास्त्र कैसे देना, मांसाहारी को ये भगवान की वाणी, पापियों को दो, उनको दो। भगवान ने जो कहा है कि मांस नहीं खाना चाहिए, जो शास्त्र में लिखा है, चोरी नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन ये नहीं करना चाहिए, ये किन के लिए लिखा था? जो करते थे उनके लिए कि नहीं करते थे उनके लिए? जो पाप में रचे पचे रहते थे उनको ही तो बोध दिया था ना कि भाई ये सब पाप में से मुक्त हो, अब उन तक ये वाणी नहीं पहुंचेगी तो वो छोड़ेगा कैसे? इसलिए उनको तो, कोई व्यक्ति कहे कि मैंने अस्पताल खोला है और यहां मरीज को आना मना है तो मतलब क्या है? ये वाणी तो पापियों के लिए पहुंचाओ, और इस वजह से ही बस धर्मियों के लिए वाणी नहीं है। मंदिर में बैठकर पूजा भक्ति करते हैं उनको तो हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो धर्मी हो गए, ये वाणी तो पापी के लिए, ये वाणी तो जिसके अंदर काम, क्रोध, विकार बहुत भरा है और लगता है कि मैं बीमार हूं,
और ऑपरेशन करना है तो आ जाओ, और यदि ऑपरेशन कराने जाओ तो ये मत देखना कि ऑपरेशन करने वाले की उम्र कितनी है। बाहर में तो नहीं देखते ना, आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर आपसे छोटी उम्र के भी हो सकते हैं कि नहीं? ज्यादातर तो छोटी उम्र के ही होंगे। आप सोचोगे कि मेरे छोटा नहीं, मेरे से बड़ा होगा वो ही ऑपरेशन करेगा। तो बाहर के ऑपरेशन में भी शरीर नहीं देखते, तो अध्यात्म के ऑपरेशन में शरीर मत देखना। वो 33 बरस के कृपालुदेव मत देखना, वो ऐसा ऐसा चैतन्य परमात्मा इस पृथ्वी पर आकर के बस कब आया और कब चला गया, इस पृथ्वी को पावन कर गया। और इसी वजह से भारत की नेशनल लाइब्रेरी यहाँ कलकत्ता में है, मुझे पता चला, तो वहां मुझे जाना है। ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा सपना था पहले तो, कि सारी दुनिया की 211 कंट्रीज की नेशनल लाइब्रेरी में जाकर के भी, इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी में नहीं गया था। तो आज देखते हैं यहाँ पर जाकर के आत्मसिद्धि शास्त्र समय सार पर हमने एक टीका लिखी है, 415 गाथा जो है वो एक एक गाथा में एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है। जो छोटा सा बच्चा होगा आपका, 8 साल का बच्चा यदि उस गाथा का मीनिंग पढ़ेगा वो एग्जाम्पल के साथ, तो वो समझ जाएगा कि उसमें क्या कहा है। तो समय सार को इतना इजी करके, वो कॉपीज हम लाए हुए हैं, आप सबको मिलेगी, तो बहुत अच्छा लगेगा 415 गाथाओं को संक्षिप्त में ऐसा समझने के लिए। तो आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, आपकी चैतन्य की रुचि जिज्ञासा सहज ये योग मिला है। भविष्य में भी कभी योग मिलेगा तो सत्संग करेंगे, और नहीं करेंगे तो सिलसिला पर मिलेंगे। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतकरण से प्रणाम करता हूँ जी। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।